नमस्कार, खबर खिड़की देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत कौर और हरियाणा प्रदेश की मुख्य खबरों पर डालेंगे नजर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकूला से कई बड़ी योजनाओं का आगाज करने जा रहे हैं। इसी के तहत हैप्पी योजना भी 600 करोड़ के बजट से तैयार की जाएगी और 22 जिलों में 932 करोड़ की लागत रखी गई है। चुनावी घोषणा से पहले ही भाजपा ने रोहतक की हॉट सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू कर दी है और सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रणदीप हुड्डा का माना जा रहा है। इस बार भाजपा रणदीप हुड्डा को टिकट देकर मैदान में उतारेगी। गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद परिवार की बिगड़ी हालात के बाद हरियाणा सरकार ने इसमें जांच बिठा दी है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसमें सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, इसी दरमियान फैमिली की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हरियाणा में एक बार फिर से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। 12वीं की परीक्षा में हिंदी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक जांच टीम पहुंची और टीम की ओर से संबंधित स्टाफ और विद्यार्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लगातार बारिश के कारण और ओले पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिसके बाद किसानों की 400 एकड़ जमीन पर मुआवजे की मांग उठने लगी है और किसानों की मांग है कि 100% मुआवजा उन्हें सरकार की ओर से दिया जाए, क्योंकि ओलेवृष्टि से उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उनका गुजारा इसी फसल से चलता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप सी और डी के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे मामले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ओर से वकील पेश नहीं हुए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हरियाणा के करनाल का एक नवयुवक रूस में फंस गया है। उसको जबरदस्ती 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार का कहना है कि उस नौजवान को उन्होंने भेजा था कि अच्छा भविष्य बनाएगा, पर उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी गलियारों में चर्चा है, वहीं दूसरी ओर जेजेपी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इस संबंधी कहा गया है कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी नौकरानी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिस दौरान उनकी पत्नी और नौकरानी की मौत हो गई, जबकि रिटायर्ड कर्नल बुरी तरह से जख्मी है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच होगी, जिसके लिए सीबीआई जांच के लिए इस केस को रेफर कर दिया गया है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और पूरी जांच की जाएगी। फिलहाल खबर खिड़की में इन खबरों में बस इतना ही। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर खिड़की। धन्यवाद।